नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू में। आप सबका तहे दिल स्वागत है मॉर्निंग के 7 AM शो में। चलिए शुरू करते हैं और पहले बात करते हैं आज के वार्म अप क्विज पे, जहां पर हम वो सवालों को लेके आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं कल के करंट अफेयर्स पर। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA ने विज्ञान भवन में एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इस योजना के मुख्य अतिथि इनमें से कौन थे? The Ministry of Housing and Urban Affairs has organized a one-day national workshop cum exhibition at Vigyan Bhavan. Who was the chief guest at the event? The answer is option A, Thavar Chand Gehlot. वो दोस्तों इसके चीफ गेस्ट थे। A joint team of mountaineers of eastern and northeastern frontiers of Indo-Tibetan border police successfully climbed Mount Kanchenjunga. The 32-member expedition called Dash was led by DC Digvijay Singh. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी सीमावर्ती पर्वतारोहियों की एक संयुक्त टीम ने सफलतापूर्वक माउंट कंचनजंगा पर चढ़ाई की। इनमें से किस नामक 32 सदस्यीय अभियान का नेतृत्व DC दिग्विजय सिंह कर रहे थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मिशन पुलकित। इसको वो लीड कर रहे थे। अगर हम ITBP की बात करें, इसका मोटो है शौर्य दृढ़ता। 24 अक्टूबर 1962 को दोस्तों आपका ये बना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको गवर्न करती है। मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर हैं SS देसवाल और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की पेरेंट एजेंसी है। ITBP जो है इसका मेजर ट्रेनिंग सेंटर मसूरी उत्तराखंड में पड़ता है। चिलकूर बालाजी मंदिर इनमें से कहाँ स्थित है? चिलकूर बालाजी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका आंसर ऑप्शन सी, तेलंगाना। रेलवे सेकेंड डबल डेकर उदय एक्सप्रेस विल स्टार्ट बिटवीन डैश वेयर एज द फर्स्ट उदय एक्सप्रेस वॉज स्पेशली डिजाइंड एयर कंडीशन चेयर कार विच स्टार्टेड सर्विस बिटवीन कोयम्बटूर एंड बैंगलोर इन जून 2018। रेलवे की डबल डेकर उदय एक्सप्रेस इनमें से किसके भी शुरू होगी, जबकि पहली उदय एक्सप्रेस एक विशेष रूप से डिजाइन की गई वातानुकूलित चेयर कार थी जिसे कोयम्बटूर और बैंगलोर के बीच जून 2018 में सेवा में शुरू किया गया था। उत्तर है ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा। किस देश ने उत्तर कोरिया की यात्रा के लिए देश के पासपोर्ट के उपयोग पर एक और वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज एक्सटेंडेड अ बैन ऑन द यूज ऑफ द कंट्रीज पासपोर्ट फॉर ट्रैवल टू नॉर्थ कोरिया फॉर अनदर ईयर? उत्तर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। किस कंपनी ने स्वायत्त प्रणालियों, रोबोटिक्स और 5G अंतरिक्ष में उन्नत अनुप्रयुक्त अनुसंधान करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? विच कंपनी हैज अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु टू कंडक्ट एडवांस्ड अप्लाइड रिसर्च इन ऑटोनोमस और सिस्टम्स, रोबोटिक्स एंड 5G स्पेस? उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि है आपका विप्रो। अगर हम विप्रो की दोस्तों बात करें, फाउंडर हुआ है 29 दिसंबर 1945 में। CEO हैं आबिद अली नीमुचवाला। ओनर हैं अजीम प्रेम जी। हेडक्वार्टर्स हैं आपके बेंगलुरु इंडिया में। ऐसी बेंगलुरु दुनिया की प्रति संकाय में सेकेंड हाइस्ट रेटिंग यूनिवर्सिटी है इंडिया में एज पर फैकल्टी रैंकिंग्स में, और 14 रैंक पे आता है टाइम्स की इमर्जिंग इकोनॉमीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के अंदर। तो बेहद ही बड़ी यूनिवर्सिटी, आप बेहद ही बड़ी कॉलेज आपका ये है। ATD फिनटेक ने अपने ऐप ATD मनी के साथ निम्न में से क्या लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य श्रमिक वर्ग को तत्काल और कैशलेस ऋण प्रदान करने के वित्तीय संकट के समय में कॉरपोरेट क्षेत्र के कर्मचारियों की मदद करना है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पेडे लोन। अब आइए जानते हैं जीए क्वेश्चन जो कि RRB क्लर्क में आपके आए हैं दोस्तों। ये रहे आपके सवाल। चुल चिली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? उड़ीसा में। निम्न में से कौन संस्थान है जो स्टैब्लिश हुआ 1988 में? आंसर इसका है नेशनल हाउसिंग बैंक। MMID इनमें से में क्या यूज़ करता है? उसका उत्तर है मोबाइल बैंकिंग। इसका MMID का फुल फॉर्म है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। पार्टीशन म्यूजियम कहाँ पर है? इसका उत्तर है अमृतसर, पंजाब। लेक बाइकल एक एंशियंट मासिव लेक है, ये कहाँ पर है? इसका आंसर है रूस। WMA में A का मतलब क्या है? इसका उत्तर है एडवांसेस। और 20 नवंबर सेलिब्रेट क्या होता है? इसका उत्तर है यूनिवर्सल चाइल्ड हेल्थ डे। ठीक है, तो ये हमारे सवाल थे दोस्तों यहाँ पर। हम फ्राइडे से फिर से वापस द हिंदू ई पेपर को लेके आ रहे हैं ताकि उस ई पेपर को आप देखें, पढ़ें, समझें और आपको वो अच्छे से समझ में आए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, एंड फिर हम मंडे से जब वापस मिलेंगे आपको, फ्राइडे वापस मिलेंगे आपको, तो फिर आपको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे द हिंदू पेपर और बाकी पेपर्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों